भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का देर रात कोरोना के चलते निधन हो गया। वो पिछले एक महीने से कोरोना से पीड़ित थे। बताया जा रहा है कि कल शाम को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के पीजीएमआई के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां रात करीब 11:30 बजे उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी का भी इसी 13 जून को कोरोना से निधन हुआ था। मिल्खा सिंह के परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और उनकी 3 बेटियां हैं। उनकी जिंदगी पर भाग मिल्खा भाग फिल्म भी आपने देखी होगी, जो कि उनकी जिंदगी को आधार बनाकर रिलीज की गई थी। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो करीब रात 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। एक महीने से कोरोना से जूझ रहे थे, पीड़ित थे, रात अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। और मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। पीएम मोदी का ये ट्वीट यहाँ पर सामने आया है। मैंने कुछ दिन पहले ही श्री मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी बात होगी। उनके जीवन से कई उदयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिल्खा सिंह के यूं चले जाने के बाद ट्वीट किया है, भारत महान धावक श्री मिल्खा सिंह जी द फ्लाइंग सिख के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र ने हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों में से एक के तौर में याद रखेगा।